बहुत कम लोग जानते हैं कि शहंशाह कॉमेडी कहलाने वाले उमर शरीफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में रूहानियत से काफ़ी करीब हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने रूहानियत पर कई किताबें तहरीर की, जिनमें से एक फ़ाबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के उनवान से शाया हुई। अपने आखिरी इंटरव्यू में भी उमर शरीफ ने रोते हुए कहा था कि मुझे अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो वो कब्र का अजाब है, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कब्र के अजाब से महफूज रखे। उमर शरीफ सिर्फ एक वर्सटाइल अदाकार और कॉमेडियन ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने बतौर मेज़बान, फिल्म साज, हिदायतकार, शायर, मौसीकार, कहानी नवीस और बतौर मुसव्विर भी अपने फ़न का लोहा खूब मनवाया। उमर शरीफ जिंदगी भर थिएटर से हटकर खुद को दूसरी जहतों में दरियाफ्त करने की सई करते रहे। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो रूहानियत से काफ़ी करीब हो गए थे और लिखने पढ़ने से बहुत शगफ पड़ गया था। उन्होंने 5 किताबें भी लिखीं जो शाया तो हो गईं, लेकिन उनकी रूनमाई होना बाकी थी। इन किताबों में पहली किताब फ़ाबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, जो रूहानियत के मौजू पर इनकी पहली तसनीफ थी। दूसरी किताब इनके ड्रामों और तीसरी किताब उमर शरीफ के अफसानों का मजमुआ है। इनकी चौथी किताब एक शेरी मजमुआ कलाम है और 5वीं किताब मुख्तसर कहानियों का मजमुआ है। उमर शरीफ को मुसव्वरी से भी हल्का फुल्का शगफ था और आने वाले दिनों में वो एक और नई फिल्म बनाना चाह रहे थे, जिसकी मौसीकी भी इन्होंने खुद तरतीब दी थी। उमर शरीफ ने फलाही कामों के लिए भी खुद को वक्फ कर रखा था। ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी और मजाहिया अदाकारी की तारीख उमर शरीफ के बगैर अधूरी है। पाकिस्तान में 80 और 90 की दिहाई से शुरू होने वाले स्टेज ड्रामों के जरिए इस तर्ज की कॉमेडी का आगाज हुआ, जबकि इस नौयत की कॉमेडी के ताने बाने पाकिस्तानी फिल्मी सनत की मजाहिया अदाकारी से जा मिलते हैं। धीरे धीरे ये मजाक का मीडियम रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के लिए लाजम मलजूम हो गया, लेकिन पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों के जरिए जिस अनोखी तर्ज की कॉमेडी तख्लीक की गई, उसने मजाक गोई का सारा मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। स्टेज कॉमेडी बाकायदा एक मीडियम बन गया, और जब इंटरनेट का दौर नहीं था तब इन स्टेज ड्रामों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स दुनिया भर में पहुंचे और पाकिस्तानी मजाक को फनकारों की सलाहियतों का लोहा मान लिया गया। पाकिस्तान के इन मजाहिया फनकारों की अक्सरियत ऐसी थी जिनकी तशहीर में पाकिस्तान टेलीविजन का कोई किरदार नहीं, और उन्होंने अपने बलबूते पर कॉमेडी मीडियम के जरिए स्टेज किरदारों की मदद से अपनी दुनिया आप पैदा की। इन्हीं में से एक उमर शरीफ भी थे। पाकिस्तानी मंजरनामे पर हमें शौकी खान, मस्ताना, बब्बू बराल, सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर और दीगर बहुत सारे स्टेज के फनकार दिखाई देते हैं। स्टेज के लिए इन लोगों की खिदमात का दायरा वसी है, मगर जब वो रुख्सत हुए तो उनके पास तरक्की में सिर्फ कसम पुरसी और बेसरो सामानी थी। इस एतबार से उमर शरीफ खुशकिस्मत रहे कि जिनको ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेपनाह तवज्जो मिली और इनको इलाज की गर्ज से सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क भी ले जाया गया, वगरना अक्सर फनकारों की ज़िंदगी का इख्तिताम दुख भरा हुआ। वो जो सारी ज़िंदगी मुस्कुराहटों के सफ़ीर रहे, उनको ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बुनियादी सहूलतें भी मुयसर ना आईं। पाकिस्तानी फिल्मी सनअत से मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला, नन्ना और लहरी जैसे फनकारों ने मजाक गोई की रिवायत को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसी तरह टेलीविज़न की स्क्रीन पर मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी, अथर शाह खान जेदी और दुर्दाना भट्ट वगैरह ने जिस तरह की कॉमेडी के लिए फिजा बनाई, उसने भी इस रिवायत को पाकिस्तान में मजीद मजबूत किया, मगर ये नाबगा रोज़गार लोग खामोशी से पस मंज़र में चले गए। उमर शरीफ खुशकिस्मत रहे कि उनके हिस्से में बेपनाह तवज्जो और चाहत आई। वो एक ऐसे फनकार थे जिनका स्टेज की दुनिया से फिल्म के पर्दे तक मजाक के मीडियम में खिदमात का एतराफ़ किया गया, और वो भी अपने रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ़ की तरह अपने दौर में दुनिया कॉमेडी के शहंशाह कहलाए। उमर शरीफ बताया करते थे कि उनकी बदनसीबी रही कि वो ज़िंदगी में मुनव्वर ज़रीफ़ से मुलाकात ना कर सके। उमर शरीफ की मुनव्वर ज़रीफ़ से अकीदत का ये आलम था कि एक बार कराची से लाहौर आए तो हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद सीधे टैगोर पार्क में मुनव्वर ज़रीफ़ के घर गए और घर की दीवारें चूमते रहे। बकरा किस्तों पे उमर शरीफ का वो ड्रामा था जिसकी वजह से वो आलमगीर शोहरत के हामिल हुए। इस ड्रामे के 5 हिस्से बनाए गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये ड्रामा हादसाती तौर पर लिखा, क्योंकि इनका वो ड्रामा जिसको स्टेज होना था ऐन वक्त पर पाबंदी का शिकार हो गया। उनके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत थी जिसमें उन्होंने ये ड्रामा लिखा और इसमें परफॉर्म भी किया। इसी ड्रामे की थीम में से उनका एक और मशहूर ज़माना ड्रामा निकला जिसका नाम बुढ़ा घर पे है था। उमर शरीफ चूंकि फिल्मों से हमेशा मुतासिर थे, इसलिए फिल्मी सनत का रुख भी किया और फिल्में बनाने के साथ साथ उनमें काम भी किया। इस तनाजुर में उमर शरीफ की मकबूल फिल्म मिस्टर 420 है। पाकिस्तान टेलीविजन से इनका वास्ता कम रहा, जिसकी एक वजह उनके नज़दीक साथी फनकारों का पेशावराना हसद था, जिन्होंने इन्हें काम करने के मौके नहीं मिलने दिए। अलबत्ता आगे चलकर उमर शरीफ ने मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स आ जाने के बाद कई टॉक शोज तो किए, लेकिन टेलीविजन पर अदाकारी से फासला ही रखा। उमर शरीफ जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहे
और इनकी रहलत के हवाले से झूठी खबरों और अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। उन्हीं दिनों में इनके घरेलू झगड़ों की बाजगश भी अदालत में सुनाई थी। वजह तनाजा जायदाद थी। उमर शरीफ ने 3 शादियाँ की। इनकी बेगमात के नाम दीवा उमर, शकीला कुरैशी और जरीन गजल है। सिर्फ पहली बेगम से इनके 2 बेटे हैं। इन्हीं से एक बेटी भी थी जिनका गुर्दे के ट्रांसप्लांट के दौरान इंतकाल 1 बरस पहले हुआ था। उमर शरीफ को अपनी बेटी के इंतकाल का बेहद सदमा हुआ जिसके बाद इनकी सेहत गिरना शुरू हो गई। उमर शरीफ के करीबी दोस्त और साथी अदाकार शराफत अली शाह का कहना है कि उमर शरीफ की बीमारी के पीछे असल वजह जहनी दबाव थी। उन्होंने पेशावराना काम को भी अपने ऊपर हावी रखा और फिर निजी जिंदगी के मसाइल ने भी इनको अपनी गिरफ्त में लिए रखा। यही वजह है कि जब वो कई बरसों के बाद सन 2019 में दोबारा थिएटर की तरफ लौटे और कराची में वह वह उमर शरीफ पेश किया गया तो वह तनकीद का शिकार हुआ। इसकी कई वजूहात में से एक वजह उमर शरीफ की नासाज तबीयत थी। इन तमाम मसाइल के बावजूद उमर शरीफ साबित कदम रहे और खुद को दरियाफ्त करने की सही में मगन नजर आए। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।